आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं पैसे की कमी को दूर करने के लिए क्या काम करने चाहिए। वैसे तो इस पर ऑलरेडी मैं ट्रेनिंग देता हूं कि जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं, राजनीति में आने से पहले वो किस तरह से अपनी आर्थिक स्थिति ठीक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कई साथी कह रहे थे कि सर कुछ नियम बताइए मुझे जिससे कि मैं पैसे की कमी को दूर कर सकता हूं। तो मैं इस वीडियो में 5-6 ऐसे नियम बताने वाला हूं जो वाकई में आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए पैसे की कमी को दूर कर सकते हैं अगर आप इन नियमों पर चलते हैं, यदि आप ईमानदारी से नियमों को अपनाते हैं। तो कौन कौन से नियम? सबसे पहला नियम, पैसे के नियमों को सीखना। जी हां, बिना जाने पैसे के नियमों को बिना सीखे कोई भी व्यक्ति सफल या अमीर नहीं बन सकता। दुनिया के जितने भी लोग अमीर हैं वो सब जानते हैं कि पैसा कैसे व्यवहार करता है, पैसा जो जल्दी आएगा वो जल्दी चला क्यों जाता है, पैसे को किस तरह से उपयोग करना चाहिए, किस तरह से कहाँ पैसा लगाया जाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, पैसे की इन्वेस्टमेंट करते समय किन किन नियमों का पालन करना पड़ता है, जब आपके पास पैसा ना हो तो क्या करना होता है। पैसे के नियमों को जानना पड़ेगा, पैसे के नियमों को सीखना पड़ेगा। जैसे एक नियम मैं बता देता हूं, मनी इज नॉट द मेन प्रोडक्ट, मनी इज ऑलवेज द बाई प्रोडक्ट। जी हां, पैसा कभी भी मेन प्रोडक्ट नहीं होता, पैसा हमेशा बाई प्रोडक्ट होता है। अब किस चीज का बाई प्रोडक्ट होता है? पैसा बाई प्रोडक्ट होता है अच्छी सलाह का, पैसा बाई प्रोडक्ट होता है अच्छे जो डॉक्टर्स हैं उनके पास अच्छी कला है इलाज करने की, उसका बाई प्रोडक्ट हो सकता है, पैसा बाई प्रोडक्ट हो सकता है आपकी नॉलेज का, पैसा बाई प्रोडक्ट हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी का, आपके समय का बाई प्रोडक्ट पैसा हो सकता है, समय के सही यूटिलाइजेशन का बाई प्रोडक्ट पैसा हो सकता है, आपके किसी हुनर का बाई प्रोडक्ट पैसा हो सकता है। मनी इज नॉट द मेन प्रोडक्ट, मनी इज द बाई प्रोडक्ट। तो क्या करें? कोशिश ये करें कि अपने अंदर कोई ऐसा हुनर डेवलप किया जाए जिससे पैसे में, जिसको पैसे में रूपांतरित किया जा सके या जिससे पैसा ईमानदारी से आ सके, और अपना फोकस पैसे के बजाय उन बाय प्रोडक्ट्स पर, उन चीजों पर, मेन प्रोडक्ट्स पर करिए कि किस चीज का बाय प्रोडक्ट पैसा हो सकता है। आपके पास ऐसी क्या चीज है जो जिसका बाय प्रोडक्ट पैसा हो सकता है? क्योंकि पैसा मेन प्रोडक्ट नहीं है। अगर आप पैसे पर फोकस करते रहेंगे तो आप उन चीजों पर फोकस नहीं कर पाएंगे जिनके कारण लोग अमीर बनते हैं, जिनके कारण लोगों के पास पैसा आता है। पहला नियम है। इसके अलावा और बहुत सारे नियम हैं मनी मैनेजमेंट के, जब भी आप सीरियस हो सीखना चाहें तो बताइएगा, हम लोग गाइड करेंगे आपको ताकि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो सके। एक और चीज, खर्चे को कम करने की जगह कमाई बढ़ाने पर फोकस करिए। जी हाँ, अमीर लोग, सफल लोग, पैसे वाले लोग क्या करते हैं? वो खर्चे कम नहीं करते हैं, वो कमाई बढ़ाने पर फोकस करते हैं। क्योंकि जब आपका फोकस खर्चे कम करने पर होता है तो आहिस्ता 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 आप कंजूसी की तरफ चले जाते हैं और फिर आप जरूरी खर्चे भी कट करने लगते हैं, और फिर होगा क्या, एक दिन ऐसा आएगा कि आप खर्चे कम करते करते तंग हाली में पहुंच जाएंगे। क्योंकि खर्चे कितने ही कम कर लीजिए, जब तक आप कमाई बढ़ाएंगे नहीं, कम खर्चे भी पूरे नहीं हो पाएंगे। होता है कई बार आपको लगता है कि मैं ये खर्चा कम कर दूं, ठीक है, फिजूल खर्ची से बचना चाहिए, कहीं पर अगर पैसा वेस्ट हो रहा है तो उस वेस्टेज या लीकेज को बचाना चाहिए, लेकिन आपका मेन फोकस क्या है? ज्यादातर कंजूस लोगों का, ज्यादातर सफल ना होने वाले लोगों का, अमीर ना बनने वाले लोगों का, या मेहनत करने के बाद ही पैसा ना कमा पाने वाले लोगों का फोकस पैसे की कमी पर होता है। क्योंकि उनके दिमाग में बीज डाल दिया गया है कि खर्च करने से पैसा कम हो जाएगा, जबकि सच्चाई ये है पैसा खर्च करने से पैसा बढ़ता है। और यदि आप खर्चे कम कर भी लेते हैं तो एक स्टेज के बाद आप खर्चे कम नहीं कर पाएंगे, जो आपके मिनिमम खर्चे होंगे उनको मेंटेन करने के लिए तो पैसा चाहिए ही होगा। और यदि आपके पास पैसा नहीं है, यदि आपके पास सोर्स नहीं है, यदि आपके पास कोई ऐसा जरिया, कोई ऐसा रास्ता नहीं है जहां से वो खर्चे पूरे कर पाए, वो खर्चे मीट कर पाए, फिर क्या करेंगे? और नियति, कुदरत हमें हर वो चीज ला करके देती है जिस पर हम फोकस कर रहे होते हैं। अगर हमारा फोकस कमी पर होगा तो फिर क्या होगा? फिर कमी ही बनी रहेगी। इसलिए कुदरत के नियमों को समझिए। जी हाँ, तीसरा नियम यही है अमीरी हासिल करने का, पैसे की कमी को दूर करने का, कुदरत के नियमों को समझिए। कुदरत का नियम क्या कहता है? कुदरत के नियम बिल्कुल उल्टे नियम है साहब, बिल्कुल उल्टे जो हम जीवन में सोचते हैं। जैसे मैंने कहा कि लोग खर्च नहीं करते हैं, जरूरी खर्चे रोक लेते हैं क्योंकि उनको लगता है खर्च करने से कमी आ जाएगी, जबकि कुदरत का नियम क्या कहता है? कुदरत का नियम कहता है जो चीज आप पाना चाहते हैं उसे बांटना शुरू करिए। जी हाँ, बांटने के नियम को अपनाइए। यदि आपके पास पैसा नहीं है, पैसे कमी है, आप पैसा देना शुरू करिए, बांटना शुरू करिए, और यकीन मानिए, मेरा विश्वास करिए, आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा, और ऐसे ऐसे रास्तों, ऐसे ऐसे मार्ग, ऐसे ऐसे जगह से आएगा जहां से आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। मैंने अपने जीवन में भी देखा है, मेरे बहुत सारे साथियों ने अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस बताए हैं कि जब जब उन्होंने बांटना शुरू किया उन्हें और मिला,
बाइबल में कहावत है ना, कहा गया है जो बांटेगा उसका और दे दिया जाएगा, उसको और भर दिया जाएगा, जो संभाल कर रखेगा, जो संजो कर रखेगा, जो कंजूसी करेगा उससे सब छीन लिया जाएगा। ये सच्चाई है, कुदरत का नियम है। बांटना शुरू करिए, देना शुरू करिए। जीवन में खुशियों की कमी है, खुशियां बांटना शुरू करिए। कोशिश करिए जो आपके पास कमी लग रही है उसको बांटिए, और कुदरत को ये संदेश दीजिए कि आपके पास जितना ज्यादा होगा आप उतना ज्यादा बांटेंगे। आप देखिए दुनिया के अमीर लोगों को, सफल लोगों को क्या करते हैं, वो बांटते रहते हैं। जिन्हें ज्ञान होता है वो ज्ञान बांटते हैं, जिनके पास संसाधन है वो संसाधन बांटते हैं, जिनके पास पैसा वो पैसा बांटते हैं। कोशिश करिए बांटने की आदत डालिए, और जब आप लोगों को देना शुरू करेंगे, बांटना शुरू करेंगे, तो कुदरत में एक संदेश आएगा कि आपके पास जरूरत से ज्यादा है, और फिर कुदरत और ज्यादा ला करके देगी, क्योंकि नियति ऐसे लोगों की मदद करती है जो बांटने में, जो अपने संसाधनों को, अपने पैसे को, अपने रिसोर्सेज को दूसरों में बांटने में विश्वास रखते हैं, जो दूसरों की खुशियों के लिए काम कर रहे होते हैं, कुदरत उनको और ज्यादा ला करके देती है। ये कुदरत का नियम है, ये अमीर बनने का नियम है, ये नियति का नियम है, और ये नियम कभी फेल नहीं होने वाला है। कोशिश करिए बांटना शुरू करिए, और देखिए अपने जीवन में बदलाव आते देखिए। एक और चीज, अपने आप से कुछ बातें कहनी है, कुछ बातें दोहरानी है। जैसे पैसे के बारे में नेगेटिव विचार रखना बंद करिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। अपनी पैसे की कमी के बारे में फोकस करने के बजाय ये कहना शुरू करिए, मैं अमीर हूं और मैं और अमीर हो रहा हूं, मैं मेरे पास पैसा है और मेरा पैसा बढ़ रहा है, मैं तरक्की कर रहा हूं। नेगेटिव सेंटेंस बोलना बंद कर दीजिए। हम करते क्या है, दिन में अगर आप देखेंगे, जब भी आप परिवार में बात कर रहे होते हैं, फैमिली से, बच्चों से, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है, हम गरीब लोग हैं, हम अमीर नहीं हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ सकता है, पैसा आकर के चला गया है, पैसा डूब जाएगा, पैसा लोगों को बर्बाद कर देता है, पैसे वाले लोग खराब होते हैं, बुरे होते हैं, पैसा इंसान को बिगाड़ देता है, नेगेटिव चीज़ें हम ज़्यादा रखते हैं। और कुदरत का नियम क्या कहता है, जिसके बारे में आप नेगेटिव सोचते हैं, जिसके बारे में आपके विचार पॉजिटिव नहीं होते हैं, वो घटनाएं जीवन में घटती चली जाती हैं, और वैसी नेगेटिव चीजें ही आपके जीवन में आती हैं। यदि आप कहेंगे पैसा नहीं है, तो फिर पैसा नहीं ही होगा, आपका फोकस इसी पर आ गया कि आपके जीवन में किसी की कमी है, आपका फोकस इसी पर आ गया। इसलिए अपना फोकस चेंज करिए, बोलना शुरू करिए, मैं अमीर हूं और मैं और अमीर हो रहा हूं, हर दिन हर पल मैं और अमीर हो रहा हूं, मैं और सफल हो रहा हूं, मेरे पास और संसाधन आ रहे हैं, मेरे पास इतने जितनी जरूरतों से ज्यादा संसाधन है, जब जब जिस चीज की जरूरत होती है मुझे वो चीजें मिल जाती हैं। और फिर देखिएगा, फिर देखिएगा कुदरत, नियति, भगवान, खुदा, वाहेगुरु, अल्लाह, जो भी कहिए आप उसको, वो आपकी मदद के लिए जरूर आएगा, नियति आपकी मदद जरूर करेगी। एक और चीज, अक्सर मैंने देखा है और आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, गरीब लोग या कम पैसे वाले लोग या जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो अमीरों को पसंद नहीं करते हैं या अमीरों से नफरत करने लगते हैं, उनसे जलन करने लगते हैं। प्लीज़, इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट, जलना बंद करिए, जलन बंद करिए, नफरत बंद करिए। और जलन क्या है, जलन एक ऐसा धुआं है जो जिसकी जो जल रहा होता है उसी की आंखों में चुभ रहा होता है, तो जलन आपको मार देती है। किसी से भी जलना बंद करिए, अमीरों से भी जलना बंद करिए, और कोई व्यक्ति किसी भी रूप में आपसे अगर बेहतर है तो आप उससे कंपीट करिए, कोशिश करिए आप उससे ज्यादा बेहतर बने, आप उसे हरा पाए, लेजिटिमेट तरीके से, लीगल तरीके से आप अपनी क्षमताएं बढ़ा करके, अपनी काबिलियत बढ़ा करके, किसी भी तरह से आप उसको बीट कर पाए, और बीट करने का प्रयास करिए, कॉम्पिटिशन करिए। वैसे तो मैं हमेशा रिकमेंड ही करता हूं कि आपका कॉम्पिटिशन भी खुद से ही होना चाहिए। जी हाँ, हमेशा लोग मुझसे पूछते हैं, सर आपका कॉम्पिटिटर कौन है, आपका किससे कॉम्पिटिशन, आपको किसको हराना है। मैं अक्सर एक ही जवाब देता हूं, मेरा केवल एक ही व्यक्ति से कंपटीशन है, मुझे बार बार उसी के रिकॉर्ड तोड़ने हैं, और वो व्यक्ति मैं स्वयं हूं। जी हां, यदि आप चाहते हैं कि कोई आपके रिकॉर्ड ना तोड़े तो अपने रिकॉर्ड खुद तोड़िए, लेकिन अगर ये नहीं कर सकते हैं तो कम से कम नफरत करना, जलन करना, पैसे वालों को बुरा कहना, पैसे के बारे में बुरे विचार रखना, ये बंद करिए। क्योंकि अगर नेगेटिव सोचेंगे, किसी चीज से नफरत करेंगे, किसी चीज से जलन करेंगे, बुरा कहेंगे, बुरा सोचेंगे, तो आपके पास वो चीज़ नहीं आने वाली है, चीज़ उन्हीं के पास पहुँचती है जो उसे पसंद करते हैं। इसके बाद उल्टा शुरू करिए, अमीरों की तारीफ करना शुरू करिए, अमीरों के साथ मिलना बैठना, जब भी आप बैठे मिलें उनको अप्रिशिएट करिए, उनकी तारीफ करिए। और यकीन मानिए, यदि इस धरती पर कोई व्यक्ति अमीर है और अपनी अमीरी मेंटेन किए है, तो उसे कुछ आता है या नहीं आता है, उसे पैसे के नियम मालूम है, क्योंकि यदि उसके पास पैसे के नियम नहीं होते तो पैसा आने के बाद भी वो गरीब हो जाता। यदि कोई व्यक्ति अमीर है और अमीरी मेंटेन किए हुए है, इसका मतलब उसे पैसे के नियम मालूम है। और आप भी पैसे के नियमों को अपना करके अमीर बन सकते हैं, उनको अप्लाई कर सकते हैं, और कोई भी व्यक्ति इस धरती पर, कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है,
उस परमपिता परमात्मा, उस खुदा, उस भगवान, उस वाहेगुरु, अल्लाह, जो भी कहो से, उसने किसी को भी गरीबी के लिए नहीं भेजा है। गरीबी का कारण केवल हम होते हैं, केवल हमारी सोच होती है, और हम अपनी सोच को बदल करके गरीबी से अमीर की तरफ पहुंच सकते हैं, हम अमीर बन सकते हैं, हम सफल हो सकते हैं, हम अपनी आर्थिक स्थिति ठीक कर सकते हैं। आपका फोकस इसी बात पर होना चाहिए कि आप हर दिन अमीर हो रहे हैं, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है और ज्यादा ठीक हो रही है। और फिर देखिएगा, एक महीना, डेढ़ महीना, दो महीना इस पर फोकस करिएगा, ऐसा ऐसा आप देखेंगे बदलाव आना शुरू होगा। इसके बाद भी जैसे मैंने कहा, जब भी आपको सीखने की चाहत हो तो आप बताइएगा, मैं आपको ट्रेन करूंगा, गाइड करूंगा, कोशिश करूंगा आपको सिखा करके वो नियम सिखाए जाए जिससे कि लोग अमीर बनते हैं, सफल होते हैं, और अपनी आर्थिक स्थिति कैसे लोग ठीक कर सकते हैं, नीचे से उठ करके लोग अमीर कैसे बन सकते हैं, वो आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। फिर भी इसके अलावा कोई डाउट हो, कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं बिजनेस से रिलेटेड, अपनी नौकरी से रिलेटेड, अपने काम धंधे, अपने जीवन से रिलेटेड कोई डाउट है, तो दो चार पाँच मिनट बात करनी हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाएगा, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट बात कर सकते हैं। डिटेल में बात करना चाहें तो काउंसलिंग का समय ले सकते हैं, 45 मिनट का समय मिलेगा आपको काउंसलिंग का, जिसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ट्रेनिंग लेना चाहें तो हमारी वेबसाइट है www.ipl.org, वहां पर बिजनेस से संबंधित बहुत सारी ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं। आर्थिक स्थिति ठीक करने की भी ट्रेनिंग है, जिसकी फीस 50,000 रुपये हुआ करती थी, अभी उसको सिर्फ 2,500 रुपये, मात्र 2,500 रुपये में वेबसाइट पर डाला हुआ है 1,000 लोगों के लिए। काफ़ी लोगों ने, लगभग 300-400 लोग ऑलरेडी ले चुके हैं उस ट्रेनिंग को। 1,000 लोगों के लिए ऑफर भी है कि वो अपनी आर्थिक स्थिति वहाँ से ठीक कर सकते हैं, वो ट्रेनिंग ले सकते हैं, खासकर से उन लोगों के लिए जो राजनीति में आना चाहते हैं और आने से पहले अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं वो सिखाया गया उसमें। इसके अलावा कोई डाउट है, किसी और विषय पर, टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कुछ और पूछना चाहें तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि एक साथी ने लिखा था तो मुझे लगा इस विषय पर वीडियो बनानी चाहिए, और भी कोई टॉपिक लिखेंगे तो मैं उस पर भी ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही, आपके उज्ज्वल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।